अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या रॉय के तलाक की अफवाहें लगातार जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि निमृत कौर की वजह से दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। इसी वजह से अभिषेक को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब बच्चन परिवार के करीबी ने बड़ा बयान दिया है। करीबी ने ये भी बताया कि फिलहाल अभिषेक अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए संकट को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनका किसी के साथ नाम जोड़ना सही नहीं है। करीबी ने कहा, अभिषेक कभी अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति वफादार है। ऐसे में जब उनका रिश्ता पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो अफेयर की अफवाहें फैलाना कहां तक सही है। करीबी ने ये भी कहा है कि इन अफवाहों की वजह से बच्चन परिवार काफी ज्यादा नाराज है। उन्होंने भले ही इस मामले में चुप्पी साधी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे चुपचाप सब सहन कर रहे हैं। वो इस मामले की फिलहाल जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद झूठी फैलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बच्चन परिवार के करीबी ने अभिषेक और निमृत के रिश्ते की अफवाहों को झूठा ठहराया। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अफवाहें कहां से शुरू हुई। हम ये भी सोच रहे हैं कि निमृत कौर ने इन अफवाहों का अब तक क्यों नहीं कहा। अभिषेक चुप हैं क्योंकि उनके जीवन में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। उन्हें सलाह दी गई है कि वो किसी भी विवाद में ना पड़े। फिलहाल आपका इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।